है वो सेल के ऊपर है ठीक है आज हम सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का हम वो कैसे मेजर करते हैं ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो सेल क्या होता है ये एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है ठीक है यानी इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर सेल कन्वर्ट करता है सेल के अंदर क्या क्या होते हैं सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड ठीक है दो इसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं एंड कंटेनर और एक कंटेनर होता है ठीक है यानी एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं सेल नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है जिससे फ्लो ऑफ करंट जो है वो कंटीन्यूअस सर्किट के अंदर होता रहता है द सेल प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस विच फ्लो द करंट कंटिन्यूअसली इन द सर्किट ठीक है एक सेल का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है बड़ा पॉजिटिव होता है छोटा नेगेटिव होता है यदि इन सेल को हम सीरीज के अंदर जोड़ दें तो बैटरी बन जाता है ठीक है द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी और एक बैटरी का सिंबल कैसे होता है बड़ा छोटा ऐसे होता है ये और फिर इसके साथ एक और सेल लगा होता है इसके साथ एक और सेल लगा होता है ठीक है इस प्रकार से ये एक बैटरी बन जाती है ठीक है दो या दो से ज़्यादा सेल हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो वो एक बैटरी बन जाती है तो इसे हम सेल कहते हैं अब जो बात आती है ई क्या चीज़ होती है ई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है अब क्या होता है ई एम एफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल इन ओपन सर्किट ठीक है यदि हमारे पास कोई ओपन सर्किट है तो उसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ठीक है इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल इन ओपन सर्किट ज कार्ड ई एम एफ ऑफ सेल ठीक है इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ये टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑफ सेल इन ओपन सर्किट किसी भी ओपन सर्किट के अंदर ठीक है इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज वहन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल ठीक है सेल कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट हमारा कैसा है ओपन सर्किट है तो उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ईएमएफ की यूनिट क्या होती है इसके यूनिट होती है वोल्ट और जूल पर पार्कुलम ठीक है ये हमारे पास है एम एफ की यूनिट होती है एक और बात है इसके लिए कि ये हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट रहेगा और ग्रेटर देन रहेगा टर्मिनल वोल्टेज के देखिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज स्लाइटली ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज ठीक है ये इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल रजिस्टेंस के और हमेशा स्लाइटली ग्रेटर देन होता है टर्मिनल वोल्टेज से तो अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है तो देखो इसके बारे में तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? द पोटेंशियल डिफरेंस सेल इन ए क्लोज सर्किट ठीक है जो हमारे पास ई एम एफ था वो ओपन सर्किट की बात कर रहे थे वहां पर और तब जो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था तो वो ई एम एफ कहलाया था जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो उस टाइम टर्मिनल वोल्टेज या फिर इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है ये उल्टा है ई का उल्टा है ई जो था वो एक्सटर्नल रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था सॉरी इंडिपेंडेंट था एक्सटर्नल रजिस्टेंस के ऊपर और स्लाइटली ग्रेटर देन था टर्मिनल वोल्टेज से और ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल रजिस्टेंस पर और हमेशा

क्लोज सर्किट के अंदर हो ई एम एफ इज ए कॉज और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये एक इफेक्ट है ठीक है ई एम एफ इज ऑलवेज यूज फॉर सोर्स ऑफ करंट जैसे कि सेल के लिए हो गया बैटरी के लिए हो गया ये हमेशा सोर्स ऑफ करंट के रूप में यूज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस ये कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में तो उसके बीच में मेजर कर सकते हैं ई एम एफ ऑफ ए सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट बट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सेल ठीक है ई एम एफ ऑफ सेल इंडिपेंडेंट होता है रजिस्टेंस के जो एक्सटर्नल सर्किट में हमने लगा रखा है लेकिन वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सेल के ऊपर ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स तो इन दो पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा है ये उसके प्रपोर्सनल होता है ठीक है तो इस प्रकार से हम ई एम और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंसेस बता सकते हैं अब ये टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार आया हुआ है ठीक है तो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल कैसे हम इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिटरमाइन करेंगे और क्या होता है ये तो द ऑफ़र्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ़ सेल यानी जो रजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड ऑफ सेल ने ऑफर किया है थ्रू विच करंट इज पास जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है वो क्या कहलाता है इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल कहलाता है ठीक है तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे तो देखिए उसके लिए हमने क्या कर लिया एक सेल कंसीडर कर लिया ये हमने एक सेल कंसीडर कर लिया और इसके अंदर ये रजिस्टेंस लगा हुआ है इंटरनल रजिस्टेंस ठीक है ये हमने कैलकुलेट करना है और ये टर्मिनल हमने मान लिया इस टर्मिनल के अंदर ईएमएफ है ई e है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है इस प्रकार से तो करंट फ्लो होगा इस प्रकार से ये ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव हो गया ठीक है तो पोटेंशियल डिफरेंस देखें अक्रॉस ए सेल वहन करंट इज ड्रोन जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे पास वो क्या कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ई e है वो ई एम एफ ऑफ ए सेल ठीक है जब सर्किट हमारा ओपन है तो उस टाइम ई एम एफ क्या है ई e है वी जो है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टी बोलते हैं जिसे हम स्मॉल आर है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैपिटल आर है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ठीक है और आई है यहां पर आई क्या है करंट करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट ठीक है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर वो आई करंट फ्लो हो रहा है ठीक है अब ये आई किसके बराबर हो जाएगा ओम सला के अनुसार देखें तो वी किसके बराबर होता है आई आर के और यहां से आई हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी बाई आर यानी वी कितना है वी है हमारे पास ई एम एफ जो ई हो गया और आर कितना एक्सटर्नल रजिस्टेंस प्लस इंटरनल रजिस्टेंस ठीक है ये टर्म दूसरी साइड ले जाओ तो आई के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई के बराबर इनके मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई के बराबर हो जाएगा ठीक है अब ये आई आर जो है ओम सलाह के अनुसार देखे तो किसके बराबर हो जाएगा वी के बराबर तो वी प्लस में आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अब v को दूसरी साइड ले जाओ आई आर इज इक्वल टू ई माइनस का हो जाएगा v और यहां से हमने तो r निकालना ना स्मॉल r तो क्या हो जाएगा e माइनस वी डिवाइड बाई आई ये हमारे पास इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल हो जाएगा ठीक है और ये आपको पता ही है कि ई एम ऑफ ऑफ ए सेल जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ठीक है वो किस वजह से होता है वो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल की वजह से होता है देखिए ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव आई है ठीक है और ई e हमारे पास ई था ये और वी है वो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी जिसको कहा था फिर भी पॉजिटिव इसका मतलब ये चीज बड़ी है ठीक है ना तो हमारे पास ई होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होता है इस फॉर्मूले से हम इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल फाइंड कर सकते हैं अब जो बात आती है जो इंटरनल रजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो पहला जो पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ठीक है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ठीक है दो इलेक्ट्रोड हैं इन दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हम मान ले स्मॉल डी तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली परपोर्शनल रहेगा डी के दूसरा पॉइंट सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ठीक है इसको से लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है वो प्रपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ठीक है यानी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब एरिया उस इलेक्ट्रोड का कम होगा ठीक है तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ये कहता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हम जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो किस नेचर का है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन सेल जो सेल के अंदर हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं किस नेचर का यूज कर रहे हैं ठीक है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हाई रेजिस्टेंस देगा और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो लो रेजिस्टेंस देगा यानी देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इस सेल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज इन सेल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो क्या करेगा ऑफर हाई रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या करेगा ऑफर लो रेजिस्टेंस ठीक है तो ये ध्यान रखना इसमें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है यदि वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और यदि वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ठीक है फोर्थ जो पॉइंट है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंसेंट्रेशन कैसी होती है यानी इंटरनल रजिस्टेंस डायरेक्टली परपोर्सनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए सेल ठीक है पांचवा पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल ये इन्वर्सली टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के यदि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और यदि टेम्परेचर उसका कम हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा जो सेल के बारे में डिस्कशन था आज का अगले वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें थैंक यू